प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भरसक प्रयास किया है, परंतु आए दिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार की हर निर्णय की निंदा करना अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। नरेंद्र अत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा सत्र को स्थगित करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस व विपक्षी दल कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार से सहयोग करें व सकारात्मक राजनीति कर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, परंतु कांग्रेस अपने चिर परिचित अंदाज में हमेशा की तरह इस बार भी मात्र अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सत्र को स्थगित करने के निर्णय का भी विरोध कर रही है। इस मौके पर भाजपा जिला हमीरपुर महामंत्री हरीश शर्मा, जिला सचिव अनिल परमार भी उनके साथ मौजूद रहे। इतना कहना है कि आए दिन जो कांग्रेस वो विपक्षी दल सरकार के हर निर्णय पर उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो निंदाजनक है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश व प्रदेश की सरकारें पूरा प्रयास कर रही हैं कि कैसे इस महामारी से निपटा जाए। और यदि हम पूरे विश्व स्तर पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत की सरकार, हमारे प्रदेशों की सरकारों ने अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठतम प्रयास भी किया है और कम से कम नुकसान हो ऐसा सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है। परंतु कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जो विपक्षी दल हैं, वो आए दिन मात्र अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा कर इस माहौल में गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसका प्रमाण दे रहे हैं, जो कि निंदनीय है।